अगर आप फ़ोनपे इस्तेमाल करते हैं, अगर आप चाहते हैं उस पर बैंक अकाउंट रिमूव करके दूसरा बैंक अकाउंट हम ऐड करें तो वो कैसे ऐड कर सकते हैं, तो चलिए अभी हम इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो आगे देखने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, मैं ऐसी वीडियो लाते रहता हूँ। तो चलिए अगर आपका कोई सवाल जवाब है तो कमेंट करके बताइए। चलिए मैं अभी आपको बताता हूँ फ़ोनपे पे अपना अकाउंट रिमूव करके दूसरा अकाउंट कैसे ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम बताते हैं आपको। सबसे पहले अपने मोबाइल पर आ जाना है, आपको फ़ोनपे ओपन करना है। फ़ोनपे ऐप ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस खुल के आ जाएगा। नीचे आपको दिख रहा होगा होम स्टोर स्विच माई मनी हिस्ट्री, आपको यहीं नीचे कुछ करना है। आपको 1, 2, 3, 4 नंबर पे माई मनी का ऑप्शन दिख रहा होगा, माई मनी ऐप पे क्लिक करिएगा। सॉरी दोस्तों, माई मनी पे क्लिक करिएगा। उसके बाद ऊपर आपको दिख जाएगा इन्वेस्ट एंड इंश्योरेंस एंड पेमेंट। पेमेंट वाले बैंक पे आप देखेंगे तो यहाँ तीन कुछ ऑप्शन दिख जाएंगे आपको। पेमेंट वाले बैंक दिख रहा होगा उसी के जस्ट नीचे, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे दिख रहा होगा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। अब इसमें से आपका जितना भी बैंक अकाउंट ऐड है, जैसे मेरे में इतना सारा भी बैंक अकाउंट ऐड है, तो मैं इसमें से चाहता हूँ एक दो बैंक अकाउंट नहीं यूज करता हूँ तो उसको रिमूव कर दूँ, कि जैसे कि कॉरपोरेशन अभी कोई काम नहीं है, कॉरपोरेशन का सिस्टम चेंज होकर यूनियन बैंक में चला गया है, तो मैं इसको रिमूव कैसे कर सकता हूँ। बाकी आप यहाँ बहुत सारा बैंक अकाउंट है आप देख सकते हैं जिसको रिमूव करना है आपको, तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा, आपको उसके सामने जस्ट तीर मॉडल दिख रहा होगा उसको आपको क्लिक करना है। आपको यहाँ पे देखिए नीचे लिखा होगा अनलिंक बैंक अकाउंट, आप उस पर टैप करना है। अनलिंक बैंक अकाउंट कर देंगे तो वो बैंक आपके यहाँ से रिमूव हो चुका है, बैंक यहाँ से रिमूव कर हो गया है। अगर आप चाहते हैं नया बैंक अकाउंट ऐड करना अपना कोई, तो आपको नीचे दिख रहा होगा ऐड न्यू बैंक अकाउंट, क्या करना है आपको, नीचे आना है माई मनी पे, पेमेंट के ऑप्शन के नीचे देखेंगे बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको अगर नया बैंक ऐड करना है, जैसे नंबर कोई आप बैंक में लगाएं तो उसका बैंक नहीं शो कर रहा है, तो आप यहाँ पे ऐड न्यू बैंक अकाउंट जो भी बैंक होगा आप यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा। जैसे कि कोई भी अगर स्टेट बैंक है तो स्टेट बैंक आप यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा, स्टेट बैंक लिख के। अभी मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ स्टेट बैंक, तो यहाँ पे स्टेट बैंक आ गया ऐसे शो करेगा। तो आपको यहाँ पे देखिए फैक्सिंग योर बैंक अकाउंट डिटेल्स, तो आपके एक नंबर पे जितना भी बैंक अकाउंट ऐड रहेगा वो यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ से आप डन कर देंगे तो ये तीनों बैंक अकाउंट आपके फ़ोनपे में लिंक हो जाएगा। उसके बाद देखिए जैसे अभी हमने लिंक कर दिया है, तो उसके बाद यहाँ पे अगर आप बैलेंस चेक करेंगे तो आपको नहीं दिखाएगा। यहाँ से सबसे पहले आपसे मांगेगा डेबिट कार्ड डिटेल्स, जो कि आपको यहाँ फिल करना होगा एंड वैलिड अप टू डेट, इसको भी आपको फिल होगा। उसके बाद आप बैलेंस चेक कर सकते हैं अपना UPI पिन नया सेट करके। तो यही था वीडियो, अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो वीडियो में कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई देता हूँ। तो चलिए अभी वीडियो को एंड करते हैं, अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।